बहुत सारा किधर यहाँ आया अपन उन्नीस सब जाएंगे आप फिर हमने पवित्र स्कूल या किधर लगते तो अपने के स्कूल कहा ले पाठा स्कूल है खतरे पाठा कि बढ़िया से पढ़ी लिखी के एगो कोनो काज धरी के एगो कोनो बेस्ट जगह रहते लेकिन अभी तक सरकार में एगो नियोजन नीति ले के आयल 60-40 यानी 60 गो झारखंड के आप 40 गो ऑल ओवर इंडिया के जबकि गोटे भारत देश से कहीं ऐसा नियम ना है कहीं 200 राज्य में 10 को देख कहीं 5 को देख कहीं 15 को देख लेकिन हमने राज्य के नियम किया हो अब पता ना है हमने जे लॉक गिला के हमने चुनी के भेजा है अखनी करो की सोच है अखनी चुप मार गया आज सबसे पहला बात ये आंदोलन कर वजह से कम नूतन किधर के लिए बचके लिए सीखे गए थे अपन हक अधिकार के बात करे लागल थे हालांकि अभी लड़ाई बहुत लंबा है क्या कि आज बहुत दिन से हमने ये लॉक गिला जे लॉक गिला हमारा राज्य के लॉन्चिंग नहीं कब्जा करी के रखा थे आज चाहे 1932 के खतियान के लड़ाई रहा भाषा के लड़ाई रहो अपन पहचान के लड़ाई रहो रोजगार के लड़ाई रहो सब लड़ाई इतना आसान नहीं लगे तो सही खातिर आज सो भे लोग के एक प्रत्येक घर के आज बुझे है तो जब तक बुझवा ना आए तो जब तक समझवा ना आए लड़ाई लड़वा कैसे आज हमने निर्णायक घड़ी में आए आज हमने के लड़ाई टी लगे हमने मीडिया करते ना लगो कहा कि मोटा मोटी जितना पुराना लॉ कहा कि 40-50 भय गला है कि लड़ाई की लागू आने वाला पीढ़ी खातिर जन किधर की लागू बटे वैसा रखो जन किधर की लगे कोराई लेके आए ला अपने खातिर लड़ाई की लागू यदि अपने खातिर लड़ी के दई के ना जा भा तो कुछ मास्टर है आज हर जगह देखा कितना अन्याय भय रहा है कायले अपनी रोंगटा फैक्ट्री है यह मांडवे ब्लॉक लगे बुढ़ा खराब मां जमीन हमने क्या लगा है जगह हमने लगा है आज मैंने उल्टा कंपनी के धुआं से कोनो किधर कैंसर है के बीमार है के डेंट करी जा है वहां पर साग सब्जी जो है वही सहिला करिया में वही चार तक करिया में वही यानी कुल मिलाई के चारों तरफ से झारखंड में शोषण भय रहा है झारखंड के लोग के साथ अन्याय भय रहा है तो सही खातिर अन्याय गिला से लड़ा कहो अपन अधिकार के पावे खातिर लड़ा कहो तो वहां सुधीन के जाने हैं तो कि लड़ाई की ना बने अब चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश लगा है पहला प्रयास कर यहाँ के लोकतंत्र के माध्यम से लड़ाई की बदलाव करेंगे लोकतंत्र माने अपन वोट आज एगो डॉक्टर की काम लगे इलाज करना एगो मास्टर के काम लगे किधर के पढ़ाना लेकिन विधायक के की काम लगे इटा हमने विधायकों में ना जाना और हमरानियों ने जाने से खतरे हमने कितना दुर्दशा भे रहा विधायक के काम है आपकी आप बताओ कि बहुत है यहाँ आना दो चार पैसा चलता दे देना हमारे फोन के डीएम पर उठा ले तो और बढ़िया बात है या फिर कोई फुटबॉल के मैच में आना फीसा बैठ देना अरे हमने हटा सोची के तो आप विधायक चुना अरे भाई काम मिला तो मुखियाओं का है सड़क तो मुखियाओं बनाए दे नाली तो मुखियाओं बनाए दे विधायक के काम है विधि बनाना पॉलिसी बनाना और पॉलिसी यानी हमारे खाते जे लोग के लिए मेरा वोट देना तो वोट तो हमारा नहीं देना है तो फिर 60-40 क्या बनते 40 को वोट इंडिया खातिर क्या उगले वोट डाला है बिहार एक लॉक के लिए हमने विधायक के वोट डाला है ना बंगाल एक लॉक के लिए यहाँ विधायक के वोट डाला है तो फिर ओकर खातिर 40% का है ओकर खातिर 40% का है जब तेरा वोट हमें डलाई हो तोरा जिताए हमें आयो तो कोई तो हमार खातिर ना पॉलिसी बनावे तो सही खातिर आज अखनी का हटाओ हटाए बतो बेटाओ जाने हैं तो कि भाई अब विधायक के काम की लगे डॉक्टर के काम की लगे इंजीनियर के काम की लगे लेकिन हमने आज तक नहीं जाना कि विधायक के काम की लगे आज हमने दुर्दशा का कारण हटाया तो सही खाते अबरी विशेष ध्यान रखे अपन मत के ताकि आज मत से ही नीति नियम बन सकल है और साथ ही साथ क्योंकि आज राज अलग भेवे में हमने के अलग भाषा अलग संस्कृति के भी योगदान है तो अपन भाषा संस्कृति के भी लोग के जीवंत रखना चाहिए क्योंकि हमने के भाषा को कहावत कहा गया है कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष एक दिशा हराए आज मोटा मोटी देखी है जहाँ जहाँ कोलफील्ड जहाँ जहाँ फैक्ट्री लग लगे तब बहुत सारे बाहर के लोग आए थे लेकिन एक बात कहा कि बाहर एक लोग के लिए हुआ है कि बसला हमने ओकरा अपन भाषा सिखाई पड़ला या फिर अपन एक पर्व त्योहार हमने के सिखाई पड़ले करम रो टुसु रो जितिया रो सरूर रो मंदरा रो कुछ सिखाई पड़ला आ तो जाय के देखा बाहर एक लोग के लिए तो परदेश जाय के हिया रहला है तोरा अपन भाषा अपन बोली वचन अपन रंग रूप सिखाई देला तो कोई भी इंसान यदि गुलाम है वो है ना तो ओकर रीजन है वो हटाव रहा है अच्छा तोहनी
कोबा देखा ला सबीन देखा ला बा कारे रंग के है बेचारा माने करिया रंग के है लेकिन वो जब गांव गांव करेंगे ना इटा पर निजे माया भाषा लगे सही कहते देखिए कोबा के आज पारस गाचे पे भाग तो दो दिन बाद पीपर गाचे पे भाग तीसरा दिन बोर गाचे पे भाग आज रामगढ़ में तो कल अपने हजारी बाग में पहली कोबा टिके यानी वो आजाद है भले वो करिया है लेकिन गांव गांव कर मायक भाषा लगाए से खातिर बेचारा कौवा हमेशा आजाद रहे लेकिन तो नहीं सुगा के देखा ला सुगा सुगा को जान तोता ओकरा लोग के पिंजरे में भरी के रखते का है ना लोग के भाषा नकल कर तो से खातिर आजा अभी तो तुमने के डिपेंड कर रहा हो कि आजाद रहना हो कि सुगा तक नहीं रहेगा पिंजरा ही रहना हो भले करिया ही सही कौवा ही सही गांव गांव ही सही आजाद रहता है जिंदाबाद जिंदाबाद तो सह खातिर प्रयास करा अपन संस्कृति के भी ई आंदोलन के माध्यम से जीवंत करे के अवसर आयल हो यानी बीते जो 22 साल पार भले एकर में मोटा मोटी झारखंड के लोग 2-4% छाड़ी के बाकी लोग के लिए मुर्दा है थे 2-4 के लोग जब तनी संपन्न हलाए जे लोग गेला नेता मंत्री दू चार गो अफसर अवतीन हो लोग गेला जदी झारखंड के लागले तो मोटा मोटी अपने ढंग से रहले बाकी लोग तो मने एकदम गुलाम टाइप के रहले दरोगा टीम चलियो वीडियो ऑफिस चलियो तो माथा झुकाए के बात कर रहती यानी कुल मिलाए के आंदोलन के माध्यम से की एकर भविष्य में परिणाम आते उठा मायने न है लेकिन वर्तमान में इटा परिणाम आयल है कि कम से कम हमने के लोग जिंदा है के प्रयास के बाद एक तरह से मुर्दे हाल हमने अभी मोटा मोटी देखा ना शादी ब्याह के दिन लगे इस साल बुझाए कि मोटा मोटी बढ़िया गीत झारखंड के गीत गिला बाज तो लेकिन एक साल पहले याद करा कितना खराब खराब बेकार गीत बाजा हाले कि नहीं एक तो पैसा इतना बड़ा डीजे हमारे अपन पैसा से आना वाला पंडाल हमारे पैसा के लगे बहनतियों हमारे लगे और रामगढ़ जिला में गाना बाजो आरा जिला उखाड़ दबो हमरा ओकर गाना डी से शिकायत नहीं थे कोनो शिकायत ओकर गाना से ना है भाई ओकर ना कहिए तले आरा जिला तो जंडे आरा जिला है तंदे बाजत कही ना बताओ तो रामगढ़िया गाना आरा जिला में बाजे बाजे ऊपर से आरा उल्टा कि मने कनवा ऐसे देखाओ कपनवा ऐसे देखाओ पेटवा ऐसे देखाओ ले देखे को बेटी छोक अपमान भयो है एक तरह से अपनी मुर्दे हलाना वो जिंदा टा जिंदा देके की फायदा हो जाए को मने एक तरह बहन के विदाई कर रहा हूँ एक तरह बहन के बिहाव कर रहा हूँ उल्टा डीजे में गाना बाजो देखो बहन के अपमान के लेके हो खतरे में कह लियो ये आंदोलन टाइम कायल की बेहतर परिणाम मायने ना है लेकिन कम से कम लोग के वो जिंदा है के अवसर मिला अपन आपके जगाए के अपन आपके बचाए के हर तरह से रोजगार के बात कर नीति नियोजन के बात कर संवैधानिक बात कर हर तरह से आंदोलन के माध्यम से लोग के जागरूकता लेके आये है कम से कम जाने एगो छोटा मतलब पांचवा छठा क्लास के गिदर में समझ रहा है अभी कि 1932 के खतियान का है जरूरी है नियोजन पॉलिसी का है जरूरी है तो सह खातिर का मकसद हटते हलाय कि कम से कम मुर्दा लोग गिला के जिंदा करना और मोटा मोटी हमने कुछ ना कुछ बदलाव भेला है आज एक साल के दरमियान हालांकि चुनावी बदलाव अभी तक नहीं भेला है कारण उठा में समय लगता है लेकिन बाकी बदलाव भेला है छोड़े भी कोई बात ना है हमने आंदोलन में मुद्दा हटो रहे अपने लोग लगे ये आंदोलन के मुद्दा को हटो लगे इतना हूँ 2 मिनट बात कर मैं दादू पढ़ना हूँ ना आराम से रहती अपने लोग लड़की घर में हमने ये सिस्टम के लिए हमने मैंने पुराना है ये सिस्टम के लिए हमने ना रख लेते इतना दूर का सामने ना रख लेते नहीं दादा आप कहीं मत जाइए आप सुन के जाइएगा आप सुन के जाइए अच्छा दादा सुनिए ना ठीक है हम लोग चुनाव लड़ने नहीं आए दादा अच्छा सुनिए एक बात अब सुन अरे सुन ना दादा देखा झार दादा कोनो दोष ना है की करवा झारखंड के लोग कर नियति में दोष मने हलाय हमने जे आंदोलन लगे ओकर में एगो मुद्दा हटाव है कि कम से कम जितना नया पीढ़ी है अपन अधिकार के लड़ के तबे ले सकल है जब थोड़ा सा शराब बंद होना चाहिए
आज शराब ही खातिर बंद होना चाहिए। मानी के चला अभी 1932 के खतियान के बाद में वो है, चला सरकार कोनो दिन 1932 खतियान अभी विधानसभा में बात बोले चल राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दले, यानी कोनो प्रयास फिर से बेहतर दो चार को संशोधन करके है। और कोनो दिन यदि 1932 के खतियान लागू भये गेलै, लेकिन यदि हमने एक लोग सचेत नहीं रहते, हमने एक लोग में जानकारी नहीं रहता है, तो 32 के खतियान के 32 को फाड़ा भी बह जाते। अरे एक समय ख्याल आए, आज हमने एक लोग में दूरदर्शी सोचना हले। आज जितना भी कोलियरी साइड में जितना हमने जमीन गेला है, हमने लोग तंग कर ले, हमारे बाप एक बेटा है, सही बात, हमने कृषि करे वाला लोग लग लिया, हमने खेती करे वाला लोग लग लिया, हमने के इतना आइडिया ना हलाय कि है खेतवा कर बीच में एगो फोर लाइन पार भ जितै और वहां बिजनेस भी करना चाहिए, तो हमने दूर तक सोचना हले। तो से खातिर हमने किस आंदोलन के उद्देश्य को हटो लगो, खासकर नया पीढ़ी के संदेश लगाए कि शराब में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। कारण की है कि आज हमने यदि नुकसान फैला है, चाहे चुनावी नुकसान रहो, सामाजिक नुकसान रहो, आर्थिक नुकसान रहो, तो अगर मैं शराब के भी रोला है, और सबसे ज्यादा नुकसान तो माए मौसी तोहनी है, तो तोहनी के ईटा खातिर आवाज बुलंद करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। हमने तोहनी के साथ आयो, ईटा में हर तरह से नुकसान है, तो सही खातिर जितना भी दादा सब यहाँ उपस्थित था, हालांकि आज तो थोड़ा सा मोटा मोटी ही हम ठीक है जगह पाई, अब रात की कंडीशन है पता ना है, लेकिन बाकी हमें जितना सभा में के लिए दिने में लगभग मैंने 30-40% हम पीले रहा था दिने, रात तो बात चढ़िए नहीं, खैर हमें उम्मीद कर रहे यहाँ ऐसा लोग ना है तुम बढ़िया बात है। नहीं यहाँ एक झन लगे पाइयो दादा चल गए, तो सह खातिर पहला निवेदन हमारे हटाए रहता है कि एक बात कहा सभी ने अपन परिवार से प्रेम करा कि नहीं गिदर पुत्रों से, दादा की लग रहा है तोहरा नहीं क्या नहीं कही, क्योंकि चूंकि हम शराब के विषय में बात कर रहे हैं, तो जितना भी दादा साहब जब पिया है तो उन्हीं से हटाए वो मैंने प्रश्न है कि अपन परिवार से अपन छुआ गिला से प्रेम है कि नहीं है, यदि प्रेम है तो हमार मानना चाहिए अपने के पीना नहीं चाहिए, ठीक खातिर कि केवल पी नहीं रहा है, वो बहुत बड़ा बीमारी लेके आ रहा है, ओकर असर लीवर में पड़ता है, और लीवर के खर्चा कम से कम 5-10 लाख तक हमें लीवर के इलाज में हुआ है, और ऊपर से अमिताभ बच्चन तो लागे ना है कि बांदर के पेट पे लीवर से ता लगा देता हूं, सिर्फ एगो अमिताभ बच्चन के बारे हमें जाना है लीवर खराब भर लोग बांदर के पेट लगो लिया, बाकी बताओ हमने उतना संपन्न है, हमने खोड़िया में 50 को टाका ना है और 5 लाख की बीमारी लेके आओ, तो सही कहते निवेदन हटाए कर वो सुधार तबे है, तो केवल विधानसभा में नियम बने से सुधार नहीं है, तो अगर कोई गांव में अगर जागरूक नहीं रहा है, योजना तो बहुत सारा केंद्र में बना है, रांची राजधानी में बना है, लेकिन गांव आवे तो कहे योजना के लिए बेकार हो जाए, कहीं ग्रामीण आदमी उन्हें एक्सेप्ट करे के मने मूड में ना हो, राजीव गांधी होते का लगना कि हम केंद्र से तो 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गांव जाते जाते 15 पैसा बचता है, तो बीच में जो लोग आते हैं गांव वाले उनसे लड़ने में सक्षम नहीं है, ताकि वो स्वयं अपने पांव में खड़े नहीं है, दिन में तो ठीक ठाक आओ लेकिन जैसी बेरा डूबतो मुझे भी नहीं करता कि हमें गांव में आयो मुझे तो मधुशाला में, तो सेख अपनी रीटा से सबसे ज्यादा नुकसान तो नहीं फैवा हो, गिदर पुत्र को नुकसान आओ तो नहीं करो, सम्मान में भी नुकसान आओ, जगह तक कठिन तो रगाड़ दिए लागो हमारे लागो, तो तोहनी सम्मान है कि ना है, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सम्मान को करो तो स्त्री होना चाहिए कि ना है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सम्मान तो होना चाहिए तो वो स्त्री के होना चाहिए, लेकिन जितना पियक्कड़ लोग आओ सबसे पहला अपमान अगर करते हो तो वो स्त्री के करते, स्त्री का सम्मान यह खातिर होना चाहिए ना कि यहाँ देखा इतना इतना पुरुष आये है, पुरुष के लाके देखल बात क्यों कह पड़ता है कि ओकरो पुरुष लगे, लेकिन स्त्री के लाके देखल बात कह दे तो फल्ला जिसने भी लगे अगर टिकुआ चूड़िया सब बता देते कि वैसे ककरो लागल, इतना वो दुनिया में सहाल है, तो सही खातिर अगर सम्मान के कोई हकदार है तो वो स्त्री है सबसे पहले, और इटा तोहनी का जिम्मा हो, माए मौसी काकी जेठी सब दुर्वा बंद करना तोहनी जिम्मा हो, क्योंकि देखा झारखंड नवनिर्माण तब रहता है, हमनी मंच में हजार कतनो भाषण देवे आज दे रही साल भर से हमने आज झारखंड के शायद 2-4 गो जिला है जहां तक हमने नहीं गेलिए, वहां भी जबे करबे, लेकिन अगर हमने कही के गए और उगला अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते लोग मानते नहीं तो फिर कोई फायदा ना है, सह खातिर पहला अगर कुछ बदलाव करना है तो हमने अपन बीच से बदलाव करना है, जन पैसवा से हमने दरुआ पिया है तो पैसा से किताब को पिले की गिदरन के पड़वा तब जाके बदलाव हुए, हर एक बात सीधा सा बात है, हमें ही खातिर कह लियो कि माए मौसी सब तोहनी के शराब या फिर दारू बंद करने में योगदान दिया को
कि दरवा किसे बनाओ, महुआ से ना, महुआ तो तोहनी के हिस्सा लगो, तोहनी के हिस्सा नहीं लगो, आम भी महुआ भी भेवा है, हिंदे भेवा है, भेवा है ना, तो आम से ककर भेवा है, लड़का के भेवा है, तो लड़कों जैसे पिया अपनी के साथ कह दे, चाहे तोर दादा लगो, चाहे तोर पति लगो, चाहे काका लगो, चाहे मामा या मौसा, कि हमारा तोरा पिया का से कोई शिकायत ना हो, तोर हिस्सा में हमने पुरखा में आम बांटा दो, यदि आम के तो चटनी बनाओ, पीस भरता कर, और अगर अगर पानी दे के कोढ़ा दे के अगर दारू बनवे पा रहे पी, तोरा क्या मना नहीं कर लो, बाकी महुआ तो हमने के हिस्सा में लगो, जय करना हमने करबो, लगा नहीं, नियम है ना, नियम है ना, जब नियम ही है देखे ना कितना अच्छा नियम है, कि भाई महिला एक दने बैठा लो, मर्दाना एक दने हो कि नहीं, नियम है ना, तो समाज में नियम है, कोई भी समाज बिना नियम से, चाहे स्कूल रहे, कॉलेज रहे, फुटबॉल के मैदान रहे, क्रिकेट खेल, चाहे कुछ भी कर, बिना नियम से कुछ ना चले, तो हमने के सामाजिक व्यवस्था है, ऑटो एगो नियम से चला है, टूटा में एगो नियम है, बंटवारा है, कि मर्दाना हार जोतता है और महिला रोकता है ना, यदि पूजो भेवा है तो मर्दाना सब बलि दे हथिन और महिला सब पीठा बनवा हथिन, नियम है ना, कि नियम उल्टा भला है, कि महिला बलि दिया गेले और मर्दाना पीठा बनवे ले, कि मने मर्दाना रोपे ले और मेहरारू जोते गेले, नियम उल्टा भला है, तो जब ई नियम आज चल रहा है जिसने के तचने, तो आम और महुआ के नियमो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो भैया बेटा तोहनी के हिस्सा लगो, बाकी तोहनी जिसने कर देना, तो सह खातिर हमें अटे निवेदन करबो, अब चूंकि आम और महुआ के जब हम बात कर लिए तो संस्कृति के भी बात आए, और चूंकि अभी शादी ब्याह के समय भी लगे, तो थोड़ा सा हम विषय में बात कर दे, कि भाई आखिर हमने जब पूर्वा जलाए तो लड़का के शादी आम से लड़की के महुआ से कह करा ले, कोई तो कारण होते, दादी दादी साहब बताए बात होनी, जगह दो चार बार चुविल पार कर लो, दादी तो बताए नहीं, आरोप तो कछुआ है ना हमने गाँव में, आरो तो गाछ है ना, बहुत सारा पेड़ है, देखा पीपल के पेड़ है, जाम के है, कटहर के है ना, तो भाई आम की कहे सेलेक्ट करल गले और महुआ की कहे सेलेक्ट करल गले, कुछ तो कारण होता है, देख हमनी झारखंड के जो भी समाज के लोग रहो, झारखंड में विभिन्न विभिन्न समाज भाषा के लोग होते, अखनिक जो कल्चर है उसका कोई ना कोई अर्थ है, हमनी पहले कम पढ़ल लिखल हलिए, हमनी बन में रह लिए, जंगल में रह लिए, लेकिन हमने जो भी नियम बनवा लिए और कोई ना कोई अर्थ है, बिना मतलब के हमने कोई नियम ना है, तो भाई आम ही खातिर है ना, ये कभी भी देखिए आम के जो गाछ हो ना वो पूरा झड़तो ना है, आम के गाछ से कभी भी देखिए पूरा ना झड़तो, अभी देखा पारस में फूल डालो, पारस के गाछो गोटे टकला भर जाते रहो, गोटे टकला भरतो फिर नया पत्ता धरतो फिर फूल धरतो, लेकिन आम के पेड़ में हो क्यों कभी पूरा पत्ता ना झड़तो, तो आम के शादी हमने पूर्वज समय लड़का से एकत्र कर ले कि ओकर माध्यम से ओकरा को संदेश दे ले कि जैसा आम के पेड़ पूरा ना झरो हो, यानी सबके कोनो भी परिस्थिति रो हमेशा छाया देतो, वैसे को पुरुष के काम लागो परिवार के छाया देना, तो अभी पूरा परिवार रह भैया, तो भाई के लिए हमने सामाजिक संदेश, अब एक में वैज्ञानिक संदेश भी है, अमेरिका के वैज्ञानिक में प्रमाण कर ले, दवा कर ले कि यदि कोई पुरुष के या तो चाय रहे, या तो गर्म पानी रहे, या तो गर्म माड़ रहे, मैंने कोई भी पिए के समान ओकर में यदि आम के पत्ता या डाली ओकरा कचेट के पीस के अगर मिलाए देवी, तो ओकर से की भेतो, ओकर बच्चा जब जन्म भेतो तो विकलांगता के असर कम रहतो, इटा साइंटिफिक प्रमाण हो, यानी हमने जो आम ब्याह भी करा ना, तो ऐसे ओरी बोरी और मजाक में देखने खातिर ना लगे, जैसे अभी तो बहुत सारा लोग देखने खातिर डीजे बजाए दो, पंडाल बड़ा बड़ा खाना खिलाए दो, लेकिन हमने जो भी कल्चर हो तो पर दियो तरह से मतलब हो, सामाजिक भी हो और वैज्ञानिक भी हो, वैज्ञानिक मतलब हो कि अगर वो आम दोहरा के सेवन कर तो आम के कोई भी पत्ता पुरुष तो अगर बच्चा विकलांग नहीं पैदा होता, और सामाजिक संदेश हो कि तोय भाई जिसने आम के पेड़ कभी नहीं झरा हो, छाया दो पूरा के सबके जीव जंतु के, तेने तरह पूरा परिवार के छाया देना हो, देखो कोई ना कोई मैसेज हो, सही खातिर अपन संस्कृति के भी लेके चलिया, संस्कृति के ना छाड़िया, क्योंकि हमने जब पुरखा बनवा लाए तो बहुत मेहनत से बनवा लाए, अब आओ है महुआ कि बेटी छुआ के शादी आखिर महुआ से करे, आरो तो गाछ है ना, जाम गाछ है, कटहर गाछ है, नीम गाछ है, हमने यहाँ तो महुए से कहा कर ले ना, महुआ गाछ देखिए हमेशा टकला भर जाए, आम गाछ से खून किया ले कभी टकला नहीं तो, लेकिन महुआ गाछ देखे टकली भर जितो, जखन महुआ फरतो ओकर से पहले एक बार गोटे गाछ के पत्ता झड़ जितो,
ओकर बात तो नया पत्ता है तो तब दे के महुआ के पर दर्द हो, यानी ओकर में आम वाला ही गुणवा नको कि पत्ता न जड़तो, महुआ गाछ में सारा के सारा पत्ता जड़ जतो, ओकर में गुण हो कि महुआ गाछ में हमेशा मिठास रहते। अब लड़की के संदेश दे समाज के लोग कि देख बाबू तुम ससुराल में जाए के ये महुआ गाछ से तुरह खातिर शादी कर रही हो कि तो जितना एकर में जो मिठास के गुण हो और ये गुणवा तोर में जितना दिन तक रहतो जब तक रहतो तोर परिवार बढ़िया रहतो, जन दिन तुम पिता हो जाए परिवार दुफाड़ा हो जाए। तो भाई गले सामाजिक संदेश, अब एकरो में वैज्ञानिक संदेश है। वैज्ञानिक संदेश ये है ना कि जब कोई बहन यानी कोई बेटी छुआ जब माए बनने वाला रहतो और उस टाइम यदि तो महुआ के कोई भी या तो मिठाई या किसी प्रकार से बना के खिए भी तो ओकर बच्चा भी मने हस्त पुष्ट जन्म लेतो और मैयो बच्चा के जन्म दिल बाद फिट फाट रहतो। लेकिन अभी देख महुआ लग ले बेटी छुआ सब खाए के माए मौसी सब के दीदी सब के अखनी खा ले छोड़ दलो, बचवा जैसी पैदा भेतो झाड़ फूक ओकर भीनू भेतो मैया के पानी भीनू चढ़ते, सही लगे कि नहीं। जबकि साइंटिफिक प्रमाण है कि यदि वो माए बनने वाला हो सह समय यदि अगर महुआ की मिठाइया खिए भी तो अगर गर्भ से जो शिशु जन्म बेतो वह बलगर जन्म बेतो और गिदरवा के जन्म दिल बाद मैयो ठीक ठाक रहतो। यानी हमने जे भी कल्चर हो जे भी रिवाज हो अगर कोई ना कोई मतलब हो बिना मतलब के कुछ भी ना हो तो सह खातिर आप इतने संदेश देवो। ऐसे भी महुआ पीछे वाला तो नहीं है ना, तो आप यदि महुआ बीच के अनुभव है तो खैर कोलियरी में तो धोरा से मार के लोग आठ बुझाओ, आप यदि महुआ बीच की अनभा तो मिठाई बनाई है और यदि मिठाई बनवे लग भूल गया तो आन के कुड़िया में दे दिया, कुड़ी बुझा तो हमने कि ना कहा कुड़ी के कुड़िया कहना जकर में मैंने जूठा भतवा पनिया दही गाय गोरु के कड़ा महेश कुड़िया कहना। तो आप जितना भी माए मौसी है सभी से हटे हमारे प्रार्थना है यदि महुआ चुन के अनभा और यदि मिठाई नहीं बनवे पारभा तो आन के कुड़िया दे दिया और डाइक के बर्दन के खिया दिया लेकिन मर्दन के जिम्मा नहीं दिया। बर्दन के दबाव तो बरत गिला हास्ट पोस्ट भेतो बलगर भेतो निरन महीना जेठ महीना सान महीना अगहन महीना हमेशा काम है तो मर्दन के दबाव तो संजय बाद उल्टा अपमान भी करतो गाली भी देतो पिटाई भी करतो। बेटा हमने संस्कृति के पार्ट लगो बात समझ में आवा ना, तो सह खतरे तो के डिसाइड करना हो मार खाना हो कि बदलाव करना हो, बदलाव करना हो तो समाज के बीच में खड़ा हो कि अपन हिस्सा मांग लो कि भाई महुआ तो हमारे हिस्सा में हो, उल्टा ही करना तो सब उल्टा कर धोती हमरा दे दे लुगा पहन ले ले, उल्टा ही करना तो सब उल्टा कर आखिरी कमा उल्टा भाव है कि ना पुरुष के ना लगो। आप थोड़ा सा बात करवाए कि अभी राज्य में एक ज्वलंत मुद्दा है 1932 के खतियान, प्रत्येक नौजवान प्रत्येक गिदर के प्रत्येक पढ़े वाला के समझना चाहिए या जानना चाहिए कि 1932 के खतियान आखिर का है। जैसे कि मान के चल कोई भी राज बना है या फिर राज छोड़ नहीं कोई गांव है, तो मान के चल ये गांव यदि मुरपा या खुजू हमर गांव लगा है तो यहाँ यदि एगो देखिए एगो फलेरिया के टैबलेट भी मिला है ना तो ककरा मिला है जे गांव के लगे, एगो मच्छरदानी भी मिला है तो ककरा मिला है जे गांव के लगे, हमरा मिलता है हम आए लिए तो जाति से और तोर गांव में मच्छरदानी बटाए रहलो और हम मांगबे तो मिलते है भले हमरा मच्छर कतनो काटते मिलते हमरा ना मिलते क्योंकि हम गांव के ना लगे, एकर मतलब लगाए कि अधिकार ओकरे मिलता है जे लकवाई गांव के लगे, मच्छरदानी रो प्रधानमंत्री आवास रो मुर्गी सेट रो बकरी सेट रो छगरी सेट रो कुछ भी रो जे भी लाभ है एगो सिलेट बटेत है पेंसिल बटेत है या मिठाई बटेत है ओकरे बटेत है जे गांव के लगे ओकरे जीते। लेकिन हमने किया कोई नियम है न कहो कि गांव के लगे, झारखंड खातिर नियमे न कहो कि झारखंड के क्या लगो। अब बताओ यदि कुछ बटेबे करते है मिठाई बटेते चॉकलेट बटेते या नौकरी, हमने नौकरी बुझाई है नौकरी यदि बटेते सरकार के माध्यम से बटेते मैंने सरकार नौकरी के सृजन करते है तो ककरा देते बताओ, तो यहाँ कोई पहचाने ना है कि घरवा के क्या लगे गवा के क्या लगे तो ककरा देते है। आज यदि मुरपा या कुजू में कोई भी योजना आवा है कोई भी बटुआ है कुछ भी मुखिया के माध्यम से या प्रमुख के माध्यम से या जिला परिषद के माध्यम से या विधायक के माध्यम से तो लाभ ककरा मिला है जी गांव के लगे जी क्षेत्र के लगे, लेकिन झारखंड में रूले न कहे कि झारखंड लगे करते, झारखंड में कोई नियम है न कहे कि यहाँ के क्या लगे
हियाँ के ओहो लगे जे हजार साल से रहा है खेती बाड़ी करा है और हियाँ के ओहो लगे जे काल आई गल कोई कोना में एगो जमीन कब्जा कर ले एगो तंबू गाड़ दल ओहो झारखंडी भई गई। तो से लड़ाई लगे 1932 के खतियान हमने जितना भी पड़ोसी राज्य है हमने नाम सुन लो हा हमने बिहार तक तो अलग है लिए तो बिहार में भी नियम है कि बाहर राज्य के कोई भी व्यक्ति अगर वह फॉर्म भर है तो 10% में ले सकल है बाकी 90% जो बिहार के मूल वासी लगाए जकर वह पुरखा के खतियान है जमीन के कागजात है ओकरे लगे। उड़ीसा जिला तो वहां तो सीधे लिखल है कि एक तो 7वां क्लास से उड़ीसा पास करिए उड़िया लैंग्वेज में हुआ तो अरे बहुत टॉप सिचुएशन है हुआ तो कोई दूसरा आदमी जाके फॉर्म भरिए नहीं सकल है न हुआ के नौकरी छीन सकल है। बंगाल की बात हो एक ही लाइन में लिखल है कि एक पेपर आपका बंगाली में होना चाहिए। हर राज्य के कोई ना कोई नियम है तमिल में जीवा तो तमिल भाषा होना चाहिए तेलंगाना में जीवा तो तेलुगु होना चाहिए महाराष्ट्र में जीवा तो मराठी होना चाहिए लेकिन झारखंड बाबा जी के ढाबा कोई रूल नहीं कोई नियम ना हो यहाँ। तो सह लड़ाई लगे कि भाई राज हमर लगे हमार पुरखा बलिदान दलय जान दलय बलिदान दलय अपन रक्त बहेलय तब जाके हम राज ले लिए। तो सबके हिस्सेदारी का है जैसन हमार लोग बिहार में जाओ हमार लोग बंगाल में जाओ वैसने तो आओ 10% में आओ 15% में आओ कितने 40% आज 60 भी है ओकरो में 10-15% किए जाते फर्जी सर्टिफिकेट बनाए। तो से लगे 1932 के खतियान कि भाई जकर पास यहाँ पुरखा के नाम से खतियान हो ओकर झारखंड न हो बाकी के अगर ऐसा है जो यहाँ आके रह गए बैस गए तो यहाँ के भाषा संस्कृति के अपनाओ। अभी तमिलनाडु गए तो एक मामूली सा टेम्पो ड्राइवर कहा है कि नहीं बड़ा बड़ा अफसर के कहा है कि दिस इज माई लैंड कहा कि नहीं जितना भी वीडियो वायरल है तुम देखते करा चाहे कर्नाटक जो कि भाई ये मेरी धरती है आप यदि मेरी भाषा जानते हैं तो ठीक है तो सीखे कहे नहीं बड़ा बड़ा अफसर के धमकाए के कहा कि आप सीखे कहे नहीं कन्नड़ कहे नहीं सीखे तेलुगु कहे नहीं सीखे मराठी सीखे कहे नहीं आप सीखिए ना भाई कौन आपको विरोध किया है आप सीखिए अगर यहाँ रह गए हैं यहाँ बस गए हैं यहाँ का पानी पी सकते हैं यहाँ का कोयला चोरी करके बेच सकते हैं यहाँ का नौकरी कर सकते हैं यहाँ का भोजन कर सकते हैं तो भाषा सीखने में क्या दिक्कत है यहाँ का हो गए हैं तो यहाँ के जैसा होके रहिए लेकिन यहाँ कोई रूल नहीं। अब यहाँ सर गवर्नमेंट की कह रहा है कि अंग्रेजी के लोकल लैंग्वेज बताओ अपनी कितना मती मारा लिया है अंग्रेजी क्षेत्र यहाँ मीडिया के बंदोगन है आप लोग बहुत बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं आप ही लोग बताइए और मीडिया के माध्यम से संदेश को दीजिए गवर्नमेंट को कि अंग्रेजी लोकल लैंग्वेज कैसे होगा भाई संस्कृत लोकल लैंग्वेज कैसे होगा उर्दू हिंदी लोकल लैंग्वेज कैसे होगा लोकल लैंग्वेज यानी जहाँ क्षेत्र में बोला जाए संथाली मुंडारी कुड़माली नागपुरी खोटा ये सब लोकल लैंग्वेज लगाए जो हिया के अलावा कहीं बोलल ना जाए। आप बहुत ध्यान करते हैं नया पीढ़ी से वो सवाल होते बहुत सारा पढ़ल लिखल सब बोलत रहो जब तभी सो कॉल्ड पढ़ल लिखल नहीं सो कॉल्ड पढ़ल लिखल जब पढ़ल लिखल कम हो लेकिन तभी ज्यादा मानो कि हम ज्यादा पढ़ लिख लेंगे वो बोलत रहो कि ठीक है बाहर का जो भाषा है लैंग्वेज उससे क्या दिक्कत होगा और लोकल लैंग्वेज से क्या फायदा होगा। तो ओकरा आराम से हमने बुझा लिए कि माइंड के चल रामगढ़ के ब्लॉक में कोई वीडियो आई गए सरायकेला के चलो लागे झारखंड के हमने झारखंडी तो विरोध नहीं कर लिए कोनो जिला लागे लेकिन चूंकि वो हमारे भाषा ना जाना है पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम वाला वीडियो साहब हमारे रामगढ़ वाला भाषा ना जाना है लेकिन यदि हमार कोई 80-85 साल के दादी अपन कोई काम लेके वीडियो के ऑफिस पहुंच जीते या थाना प्रभारी के यहाँ पहुंच जीते तो बातचीत कैसे करते बताओ बातचीत भय सकल अपने बीच जब अपने बीच बातचीत नहीं भय सकल है तो वीडियो साहब या थाना प्रभारी हमार दादी के समस्या के हल कैसे करते दादी के समस्या के हल करते या फिर कोई 10वां क्लास के बच्चा या कोई 12-13 साल के लड़का वीडियो यहाँ चल गया सर हमको ये समस्या है वीडियो अगर बात समझिए नहीं रहा तो हल कैसे करते अब यहाँ की कहता है खास करी सवाल अखनी के सो कॉल्ड पढ़ल लिखल भाई सब के जे हमने से पूछे तो है लोकल लैंग्वेज के की मतलब है अब यहाँ यदि हमार भाषा के बैरियर रहतलाय भाषा के प्राथमिकता रहतलाय तो वीडियो के बगल में है वो रामगढ़ के आदमी ट्रांसलेटर बन के खड़ा रहता है इंडिया को नौकरी
वीडियो के बगल में है, वो नौकरी सीओ के बगल में है, वो नौकरी सीआई के बगल में है, वो नौकरी बीएओ के बगल में है, वो नौकरी बीईओ के बगल में रहता है कि नहीं। इसने कलेक्टर के ऑफिस तक रहता है, डीसी के बगल में दुगो रामगढ़िया, एसपी के बगल में दुगो रामगढ़िया रहता है कि नहीं रहता है। यहाँ तो लगो भाषा के मतलब कि आइए डीसी साहब, हम मना नहीं किए क्योंकि आप यूपीएससी करके आए हैं भैया, आप यूपीएससी करके आए हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी माँ आपकी भाषा जानती ही नहीं है, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। तमिलनाडु में जब भी कोई नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी भाषण देता है तो की करा है, बगल में ट्रांसलेटर रहा है, हिंदी से बोला है वो तेलुगु से ट्रांसलेट करा है। तो सैन यार एक ब्लॉक लेवल से लेके कलेक्टर का ऑफिस तक अपने बगल में एक एक ट्रांसलेटर खड़ा रहता है। दादी बात करते ले अपन भाषा में, संथाली गुड़वाली में वो वीडियो के समझे तो हिंदी में अंग्रेजी में वीडियो साहब दादी से इंग्लिश दे दिया। हटे लगो सो कॉल्ड पढ़ल लिखल दादा साहब भाषा कर अर्थ हटे लगो, भाषा के बैरियर हटे लगो, कि जब दिन भाषा के कोई हर कंपटीशन में प्राथमिकता मिल जी तो थोड़ा वीडियो ऑफिस जाए में भी मन लगता तो, और कलेक्टर ऑफिस भी जाए में मन लगता तो, कि भाई चल रामगढ़ के दो ब्लॉक है फोन करवे चाय पानी करके दो। हम भी धनबाद जाए ना सर्वा मन बते न चलतो कि झारखंड में हो कि बिहार में हो, बताओ धनबाद। आज जितना कलेक्टर के ऑफिस खड़ा भेला है, एसपी के ऑफिस खड़ा भेला है, या जितना भी बिल्डिंग बन के खड़ा भेला है, सब जमीन झारखंड के। लेकिन जब भी धनबाद के टाउन चल जाए फीलिंग है ना बेटो हमने की झारखंड में खड़ा है, कहे न भाषा के बैरियर है ना। तो सही खातिर गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के हमने कभी भाषा में मुख्यमंत्री कहा है तो चीड़ लागा है, तो बताओ हमने कौन खराब कह लिए, कौन खराब कह लिए। अगर मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हमने कही है गलिए तो की खराब कर ली, तुरा भाषा के मतलब नहीं पता हो। और हाले फिलहाल रांची के तोरेबा अस्पताल में कोई मुंडा समाज के अध्ययन अपने बच्चा के लेके इलाज करे गए, बचवा ऐसे मर गए, कहे कि अगर जब बीमारी हलाय डॉक्टरों के कह लिए पढ़ ले हमारे की बीमारी है, बुझे लिए पढ़ ले हमारे गौरवा पीरा है बुझते है। पिठिया गुरा फैला है क्या बोलते, मुझे पढ़ते हमारे डणवा पीरा है बुझते। तो हट लगे भाषा, हर परीक्षा में एग्जाम भाषा से होना चाहिए, भाषा से बहता है तो कहते भाषा के माध्यम से कोष के सृजन बहता है, और एक से की बहते सहूलियत है। लेकिन आज पते ना हो, आज बाहरी अफसर आओ हो अगर फीलिंग ना हो, एक इंसान के मदद तबे कराए जब ओकर साथ जुड़ाव रहे, भावनात्मक जुड़ाव, वो हमारे भाषा के ना समझो, हमारे खान पान हमारे रीति रिवाज के ना समझो, हमारे रहन सहन के ना समझो, यानी सब सद में ओकर से हमारे जुड़ाव ना हो। जब ओकर से हमारे जुड़ाव ही ना हो तो हमारे खातिर कैसे काम करतो, तो फिर चल घुस दे। यह यदि हमारे लोग बीच के रहते लाए वो हमारे जुड़ाव रहते लाए, हमारे इमोशन के साथ जुड़ाव रहते लाए तो काम करे में सहूलियत रहे। तो से बंदो जब हमने कहा भी तो लगे कहते गिद्रो नेता बनता ना बनना, तो नहीं नेता तो नहीं अच्छा काम कर, हमने पढ़ाई लिखाई करते लिया, लेकिन तो नहीं ढंग के ना कर में तो नेता भी बनते यार, बंदूक लेके झुमरा पहाड़ से तो नहीं निशाना भी बने वो ठीक कर दो ना। यदि हम हाल फिलहाल देख लिया वो चैनल में चला चले कि जयराम नाथ तो बयान देता है कि झुमरा का पहाड़ में सरकार बनेगा, अरे भाई हम तो सिर्फ बोले हैं, आप देखिए रंगदा के माध्यम से तीन तीन को बच्चा को मार दिए, जहां जहां कंपनी है तहां मर रहा है, कंपनी के माध्यम से और आपके माध्यम से जब जब मेरे लोग मर रहे हैं तो हिंसा नहीं है। जब कंपनी के माध्यम से निर्मल महतो मार दिया गया, सुनील महतो जैसे सांसद मार दिया गया, शक्तिनाथ महतो जैसे क्रांति दूत को मार दिया गया, तब वो हिंसा नहीं था। हम तो अभी बोले हैं किए कहां, आप हिंसा ले लिए क्या, गलत बोले हैं। हर साल तो हमारे लोग ऐसे मर जाते हैं, कोयला का वर्चस्व मर जाते हैं, आपका कंपनी का धुआं का बीमारी से मर जाते हैं, आपकी गलत नीतियों से आत्महत्या करके मर जाते हैं। जब हमारे लोग मरते हैं तो आपको नहीं दिखता है, इसीलिए हम खुले मंच में कहते हैं कि एक बार वोट से बदलाव कीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो कितना लोग है जिससे हमको डिस्टर्ब हो रहा है, सीएमडी जीएम वही लोग है ना, 10-5 को नाम गिनिए, 10-5 को गाड़ी पलटिए, हिसाब किताब कीजिएगा। हम तो मरिए रहेंगे, सलट गढ़ है डूब के, ग्रैंड साइड के रोडवे फटाई के, नौकरी नहीं पहले सुसाइड करके ऐसे तो मरिए रहिए। तो भाई जे हमारा मार रहा है जगह खातिर हम मर रहिए, एगो दुगो अपने हिसाब करल जाए, हिसाब बराबर भ जेते। सही बात है,
सिर्फ हमने मर रही है, जान सिर्फ हमने के जा रहा है, सह खाते कुछ नहीं बह रहा है। जब भी नया तुमको रिटर्न देते ना, एगो तुमको सीएमडी के जीएम को उठा के पटकल जीते ना, जैसे हमनी के गांव देहा घर में आग लाग रहा है, हमारे खेत में साला पूरा जमीन करिया भई गेल है, तैसने एगो तुमको बेईमान कंपनी में आग लगते ना, सबके हो ठिकाना रहते, बस वह माहौल पैदा करते। आप की जगह उस हिंसा को नहीं देखते, हम सिर्फ बोले है तो हिंसा है। बड़ा बड़ा चैनल में चैनल लग लो जरा, मत बोल रहा है झुमरा का पहाड़ में बनाएंगे, हम तो झुमरा कहाँ बरसनाथ भी बोले हैं, दलमा भी बोले हैं, जहाँ मूड होगा वहाँ बनाएंगे। लेकिन एक बार हम लोग भी कानून से बात करेंगे, एक भी हम लोग मत का प्रयोग करेंगे, अगर बदलता है सुधरता है तो ठीक है, हम लोग वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग राज सत्ता करने नहीं आए हैं, सत्ता का सुख लेने नहीं आए हैं, हम लोग बदलाव करने आए हैं। कलम से बदलाव होता है तो ठीक है, नहीं तो जो साधन होगा लोहा से होगा तो लोहा से करेंगे। जमीन पूरा झारखंड में लुटल जा रहा है, एक लाइन सीधा कह दे और जमीन ना लो ना कुछ मिल तो टंगवा लेके भगवा लेके खड़ा भाई, जो अगर तुम कपार में दे सब भिगवा दी तो हमने डर डर भाग रहा ली, आज यहाँ कहा लिया हमने डर डर भाग रहा ली, कहाँ तक भाग के जमीन, जितना दूर भाग के जमीन लोग उतना भगे तो सामना कर। जब तक जमीन के बात कर ली तो हमें हल्का सा कह दे पा मधुबन, अभी सबसे अगर हाई रेट जमीन हो तो मधुबन में हो, कहे बताओ वहाँ गुजराती राजस्थानी के सेठ मड़वारी सबके नजर हो, तो वहाँ की भले वो लोकल झारखंडी लड़का लगाए और एक एक वो जमीन है और अरब पोतिया कहे की जमीन वो हमारा दी है तो ना देवे तो वीडियो सीओ डीसी तो हमारे लगो। अब अलो हमारे यहाँ हम कहे देख भाई यदि हमने एक एक को मुद्दा में यदि एक एक दिन जीवो तो बुझा हमने के जिंदगी पार भाई, तो झारखंड में लगभग 33,000 गांव हो और 33,000 समस्या हो, हमने जिंदगी 12,000 मात्र 12,000 दिन हो, 33,000 गांव हो, तो बताओ तो कहो की करल जाए। हम कहले जाए कि दुनिया में टंगवा लेके खड़ा भाई जो और एक लाइन कही बप्पो कह दी दुर्गो में एक एक को बैठा के मने मान के चल एक को बैठा हो एक मान के चल खो गए ऑटे कर ले कि देख दादा हम तो अपना आपके मुर्दा मान ले लियो, लेकिन बस हमर जमीन लिए से पहले एगो बल निजाम दे दे दूसरा हमर ले ले जमीन ले ले, आज तक ओकर वहां विवाद नहीं खत्म, अभी तक विवाद ठीक हो। हम फिल्मी घटना नहीं बता रहे हो, रियल लाइफ घटना बता रहे हो, हमने साफ साफ कर दिया कि हमने कहां कहां जीवो, हर जगह समस्या हो, सरायकेला में दिक्कत हो, गोड्डा के लिए गोड्डा में दिक्कत हो, गोड्डा से पार लियो देवघर चित्रा हुआ दिक्कत हो, बताओ अगर हमने शरीर के चार फरा करबे है सकल है तो हमने कहले तो भाई हमने तो हर जगह जाए नहीं पारबो, यह बात फिर तोर सामने समस्या आई तो समस्या तोर लगो समाधान तोरा कर तो जन जमीन हुआ तो लिया खजो दुरिया में टांगा लेके खड़ा भेजो, हर एक लाइन बोली कि सर जब जमीने नहीं तो जिन्ना रे की फायदा हो, लेकिन जब जीवे करबो तोरा लेके दीबो, वैसे भी अरबपति लगो अगर दम ना हो लेके दीबो। आज फिलहाल ओकर बाद लड़का ने हमारे घर वाले ना फोन कर ले, एक मतलब जमीन सही सलामत है, ओकर बाद हमारा फोन भी नहीं कर ले ना हमारे घर मिले नहीं, तो सह खतरे अगर जमीन के समस्या लगो सीओ अगर बेमानी करो तो सीओ के एक साइन मिला के बात कर, अगर दरोगा लाओ दरोगा से बात कर, जमीन दौर लाओ कर बात के नहीं लगे हर उतर नौकर लगो सीधा से बात करो, वीडियो रहा सीओ रहा डीसी रहा उतर नौकर लगो, अब नौकर के तो मालिक बने तभी तो ऐसे रहो उतर नौकर लगो, लिखा लो ना डीसी की लिखा अपन दुरिया में आईएएस लिखा लो ना दुरिया में, हम अपना पढ़ा लिखा ना लिखा लो ना आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस निकालो, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सेवा के माने की भाव है सेवक, खेलने वाला खिलाड़ी, नाचने वाला नर्तक, सेवा करने वाला सेवक, सेवक भी नहीं कह सकल नहीं, यह खातिर कि सेवक यानी जो बिना पैसा का सेवा करे ओकरा सेवक कहल जाए, जब पैसा लेके सेवा करे ओकरा नौकर कहल जाए। तो डीसी रो कलेक्टर रो चाहे एसपी रो चाहे वीडियो रो चाहे दरोगा रो एखनी पैसा लेके अगर पेमेंट मिलो तो एखनी पब्लिक के सर्वेंट लगो, अब इटा पब्लिक ओकरा बताओ तो ओकरा बताए नहीं दे जी हुजूरी करे लगा है सह खातिर मथवे चढ़ जाओ, अब बदलाव जमीन से रहो के रो यहाँ रह ले के ना आयल है और बदन में जो खुनिया बह हो कलेक्टर के बदन में भी वह खुनिया बह है, चाहे एसपी रहो चाहे दरोगा रहो चाहे मंत्री जी रहो, बस थोड़ा डर हो कि जान हमरे जाए सकल है ओकरो जाए सकल है डर पैदा कर। अब बात है 1932 के खतियान, बहुत सारा ध्यान दलील देतो तर्क देतो कि 1932 के खतियान अंग्रेजों के टाइम के लगो ये आजाद भारत में कैसे मान्य भय सकल हो, ये बतवा भोजन बोले करो बोलो हो ना
कि 1932 के जो खतियान हो ये अंग्रेज के टाइम के लागो ये आजाद भारत में कैसे माइंड भाई सकल हो। तो बती बतिया वह बोलतो जो ढंग से भारत के संविधान के स्टडी नहीं करल हो, जे ढंग से बारीकी से संविधान के माने जानो हो, संविधान के सुविधा के जानो हो, उस सवाल को उत्पन्न नहीं कर सकल हो। वह संविधान में 1990 में भारतीय संविधान 66वां संशोधन करते हुए CNT 1908 में बनल है और तीन गो अध्याय शायद अध्याय 10 और अध्याय 8 और अध्याय 18 के अनुसूची 9 में शामिल करल गए। यह भारत के संविधान, यह आजाद भारत, यह 1990 कब के 1908 के कानून इसी भारत के संविधान में संशोधन करके शामिल किया जा सकता है। तो हम तो 1908 के 24 साल बाद 1932 का बात कर रहे हैं, संशोधन करके कहे नहीं शामिल होगा। 1908 का कानून शामिल हुआ, आज ही देश में अंग्रेजों के कानून न चल रहा, लेकिन इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेज के है, इंडियन पेनल कोड अंग्रेज के है। अभी दादा सब जो पुलिस बनल हो, लेकिन कैसे पुलिस बन गए, ऐसे बन गए कि कोई कानून है ना, तो ये कानून कब के लगे, अंग्रेज के लगे। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के कानून लगे। तो जब 1861 के कानून चल सकल है तो फिर 1932 का नहीं चल सकल है। तो बस एक से पहले की लोग बताओ हमने के विधायक साहब हम दोन अपनी के नॉलेज ना हले कि हम उत्तर कैसे दिए। आज भी तो हमने से मीडिया के सामना रहे है, ऐसे बात तो नहीं कि मीडिया पढ़े लिखे नौजवान लोग आंदोलन में आया। और बाकी लोगों को यही दिक्कत है, अभी हमने के गेल बात चौक चौराहे में चर्चा तो लड़का ऐसे लगो दिस दैट ऐसे ऐसे कहा तो कारण बताओ। यह यदि कोई विधायक के अभी तक ना झारखंड में चार गो चुनाव है ना, सबसे पहले मधुपुर में मिले हाजी हुसैन साहब के बेटा हफीजुल के लोग स्वीकार कर ले, कोई ट्रोल नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं। तब जाके राजेंद्र सिंह के बेटा अनूप सिंह विधायक बन गए, कोई चर्चा नहीं, कोई ट्रोल नहीं। बंधु त्रिकी के बेटी नेहा त्रिकी विधायक बन गए, कोई दिक्कत नहीं। विधायक के बेटा विधायक बन गए, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमने से दिक्कत ही खातिर हो ना कि सर्वा अपनी बोला तो ना परफेक्ट बोला तो और खुद ना है बाकी लोगों के भी सिखाए दे। हमने से दिक्कत हटे हो बाकी हमने यदि अंगूठा छाप रह लिए कम पढ़ल लिखल रहते लिए तो हमने कोई चर्चा ना रहते अखनी के दिक्कत रहते है। अब बता तो रहा है कि हम बता रहे हो कि डॉक्टर के काम लगो मेडी मने डॉक्टरी करना, विधायक के काम लगो विधि बनाना और विधि विधानसभा में मना है अपनी सड़क पानी में ही पढ़ा लो तो क्या कोकरो राग लगते इसलिए तो हमारे काम बताए रही अब तक हमारा नहीं मालूम भले कि हमारे काम की लगे। सही बात कही हाल फिलहाल चंदन क्यारी के एगो टीचर के टीम के लिए मुख्यमंत्री यहाँ वो कहला सर प्राइमरी टीचर का कोई मैटर लग रहा है किसको आप आउटसोर्सिंग कर दिए हैं। बोला अरे हमको तो पता नहीं है, मुख्यमंत्री बोल रहे हमको पता नहीं है, यानी अगर कांड के नीचे से काम बह रहा है बस अखनी कहते दिक्कत है। और हम तो अभी बोला ये कि भाई माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी के सम्मान है विनोद बाबू टेकलाल महतो शिवा महतो से आंदोलन कर ले गुरु जी सिकुशोरण में, लेकिन जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हो और झारखंड के दशा झारखंड के दर्द पीड़ा तकलीफ से कोई मतलब ना है। हम तो यूं बोलत रहिए कि ओकरा कुछ ना है, गाजर और मुरई लेके दी है या तो मुरई टिके लाल कर दिए गाजर के सादा कर दिए वो चबाल बात कहने पर तो गाजर कौन डर मुरई कौन डर। इतना कंडीशन खराब हमने मुख्यमंत्री का तो की पता चलते ओकरा पते नखो झारखंड के दर्द कैसे हो, खाली बोलते कि हम झारखंड का है आदिवासी मूलवासी का है और बगल में सुप्रियो भट्टाचार्य पिंटू श्रीवास्तव यानी हमने बेवकूफ झारखंड के लोग बेवकूफ अगर माने बताओ यह कंडीशन। तो सह खातिर जितना भी नौजवान सब एक बार प्रयास करा किया अपन मत के प्रयोग करते हुए जागरूकता शिक्षा के प्रयोग करते हुए इस राज्य के व्यवस्था में बदलाव करल जाए और नए तो ऐसे तो हर गांव में दो चार को किधर पी खाए कैसे बनाए गेला दो चार को पहरिए में जाके सरकार बना बनाए तो की दिक्कत है तो गांव बांटो तो समाज बांटो तो राज बांटो बना लेते कि नहीं हर गांव में दो चार को किधर बना लेते जितना बनाल किधर हो अपने समय हटे रिक्वेस्ट कराइए कि तुम्हें तो ऐसी अपन खतरी बनाए पिए है खा है गंजवा फूके हैं तो कभी
ड्रग्स ले ले हैं, तो कभी नशा कर है, तो कभी दरुआ पिए हैं, तो कभी पचिया लेके 200 के स्पीड में चले हैं, ऐसे तो पेड़ा गए हैं। तो भैया ये पेड़ा से कुछ नहीं मिलते, अगर कुछ भय गलो तो लोग 10 दिन याद कर तो भूल जितो, बेड़ाना ही हो तो 24 के बाद पहरिए जाके बेड़ा है। अब जे जे लोग गिला हमने के बेड़ा में योगदान दिला अपने के सब के हर ओकर बात यदि कुछ भय जितो तो लोग हमेशा याद कर। तो देखिए हेरोडे में देवी माता के प्रतिमा लागल है, जब तक झारखंड रहते अगर प्रतिमा और नाम रहते थे तो सही खातिर बेड़ाना ही हो तो राज खातिर बेड़ोना, जान ही देना हो बेकार ही होना हो, ताकि लोग को कि ना जान देना बेकार काम लगो तो राज खातिर दे उठा साकार रहे। तो 32 के माना भी बुझे पड़ला, नियोजन नीति भी बुझला। अब थोड़ा सा फैसले को कल्चरल बात कर रही है, क्योंकि माए मौसी की संख्या ज्यादा है और कल्चरल के रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी के लगे, कल्चर के बचाए के रखना तो नहीं को कहे कि पुरुष गुजरात भी जाओ, तेलंगाना भी जाओ, छत्तीसगढ़ भी जाओ, लेकिन घरवा तो नहीं देखा। तो कल्चर ये खातिर बचैया कि कल जे इंसान के भाषा साहित्य की संस्कृति खत्म है वो इंसान खत्म हो जाओ, तो अपन संस्कृति के भी बचाना हो। और हमने के संस्कृति यदि मने बेकार रहते हमने के